नमस्कार सभी को। तो मुझे लगता है कि आप में से कई लोगों ने जो है इंडियन वुमेन्स टीम का मैच देखा भी होगा और कई ने नहीं भी देखा होगा। तो कल हमारे दो मैच थे, एक इंडिया वर्सेस स्वीडन जो सीनियर टीम और वहाँ की स्वीडन के अंडर 23 का था, और एक मैच था हमारी अंडर 17 जो वर्ल्ड कप स्क्वाड है उसका मैच था इटली के साथ, ठीक है। और दोनों मैचेस में हम हार गए, ठीक है। तो आज हम इस वीडियो में ये बात करेंगे कि इंडियन वुमेन्स जो गेम प्ले करा उन्होंने उसके बारे में करेंगे, ठीक है। अभी आपको ही पता है कि इंडियन वुमेन्स की रैंकिंग मैन से अच्छी है और सब बोलते हैं कि इंडियन वुमेन्स टीम जो है वो मैन से बेटर है, ये सब बहुत सारी ऐसी बातें निकल के आती है। तो देखिए, एक क्या बोलेंगे उसको, मतलब कि एक प्रोत्साहन देने के हिसाब से या मोटिवेट या इंस्पायर करने के हिसाब से वो एक अच्छी बात है कि हम हमेशा उनके लिए पॉजिटिव चीज़ें ही बोलते हैं। लेकिन आज मैं कुछ आंखें खोलने वाली बातें करना चाहता हूँ जो कि सच्चाई है और जो कि इंडियन वुमेन्स फुटबॉल को कहीं ना कहीं मतलब कि खराब कर रही है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इंडिया वर्सेस स्वीडन जो वुमेन्स वाला मैच हुआ, वहाँ की अंडर 23 और हमारी सीनियर टीम थी वो, ठीक है। अभी आप में से कई लोग बोलेंगे अरे वो भी हमारी भी तो अंडर 23 थी। देखिए, अंडर 23 मतलब पूरे अंडर 23 रहना चाहिए, तो अंडर 23, अगर दो तीन चार प्लेयर भी ऊपर के हैं तो कोई अंडर 23 नहीं रही वो, ठीक है। तो हमारी जो सीनियर टीम और उनकी अंडर 23 का मैच है उसमें चलिए सबसे पहले बात आती है कि स्वीडन जो वर्ल्ड की सेकंड रैंक की टीम है तो उसके खिलाफ हम जीत सकते हैं, ये सकते हैं, ये तो सोचना एक गलत बात है, ऐसा आपके दिमाग में आ रहा होगा। चलिए वो बात को मान लेते हैं कि भैया स्वीडन बहुत बड़ी टीम। सबसे पहली बात तो उनकी मेन टीम भी नहीं थी, अंडर 23 थी, ठीक है। तो आप बोल सकते कि अंडर 23 भी तो उनकी बहुत स्ट्रांग है, वो भी मान लिया। अब चलिए ये हमने मान लिया। अब इसमें एक और चीज़ है, कई मैंने कमेंट्स भी देखी थी कि रेफरी चीटर है, रेफरी ने जो है लास्ट में ऐसा हुआ था ना, 5 मिनट का एडिशनल टाइम था और उन्होंने 98 तक खिला दिया था जिसमें गोल हुआ था। अगर वो सिर्फ 95 तक खिलाता तो गोल नहीं हो पाता स्वीडन का और हमारी इंडियन टीम हारती नहीं, ये एक बात बोलने की है। तो मैं तो वो गोल वोल देखता भी नहीं हूँ, है ना, वो गोल वोल से तो अपने कोई मतलब ही नहीं है, मेन मतलब है गेम प्ले करने से। अभी देखिए, इंडियन वुमेन्स टीम जो है, आपको पता है कि इंडियन वुमेन्स टीम का पोटेंशियल है, ये बात जरूर है, पोटेंशियल तो है ना, एशिया की अच्छी टीम्स में से एक है हमारी टीम। लेकिन जब वो स्वीडन के अगेंस्ट खेल रही थी तो आप सबसे खतरनाक चीज़ें आपने क्या देखी कि पासेस ही सही से नहीं हो रहे, है ना। तो सबसे बेसिक चीज़ क्या है फुटबॉल की, पासेस सही करना है, पास सही से नहीं हो रहा है, किधर भी मार दे रहा है, मतलब एक होते ना चीज़ें, तो ये सब चीज़ें अगर हो रही है इसका मतलब कि वुमेंस टीम भी वही है वो, तो इसका मतलब ये है कि हम जिनके अगेंस्ट खेलते रहे हैं वो बहुत ऐसी होंगी, ऐसी है ना तटपुंजिया टीम, इसकी वजह से हम बड़े अच्छे दिखते हैं उनके अगेंस्ट। तो ये बात है, क्योंकि जब आप एक ऐसे ओपोनेंट के खिलाफ जाते हैं जहां पे आपको सिर्फ पासेस सही करना है, सिर्फ पास सही कर लो इसके अलावा कुछ नहीं करना, वो भी नहीं हो पा रहे, तो मतलब बहुत है ना खाई में काम है अपना भी। तो अब इसका सबसे सीधा सीधा ये ऐसा क्यों, तो इसके पीछे कारण है IWL। IWL का टाइम ड्यूरेशन देखो, मैच एक्सपीरियंस महिलाओं को कितना मिल पा रहा है, 1.5 महीने के मैच एक्सपीरियंस से आपको स्वीडन के साथ टक्कर करना है, आपको USA के साथ टक्कर करना है 1.5 महीने के IWL खेलकर, और वो लोग खेलते हैं लंबा लंबा एकदम, तो कितना फर्क है। तो अब जैसे कि अपनी बातें होती रही थी ना ISL, आई लीग और ये सब, और मैंने भी स्टेट लीग वगैरह की बात करी थी, यूथ आई लीग की बात करी थी, तो ये वुमेंस लीग का क्या होगा, वुमेंस लीग को भी तो भैया 8-10 महीने की करना पड़ेगा ना, वो भी तो खेले 30-30 मैच साल भर में, 30-30, 35-35 लीग मैच, तब तो उनकी टीम भी आगे निकलेगी। न तो आप एक बात बताइए, इंडिया की रैंक 50 के आसपास जो चलती है, 55, ये कितने सालों से चली आ रही है, तो कुल मिला के वो भी बहुत कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, है ना, क्योंकि वो स्टेबल है, वो ना नीचे जा रही है ना आगे जा रही है, मतलब वही है, मतलब प्रोग्रेस तो हो ही नहीं रही है, उतने की उतनी पे ही है। तो इसका मतलब वुमेंस फुटबॉल जब से बनी थी तब से वहीं रह गई, आगे भी नहीं बढ़ी, और उसके बाद नीचे की टीम्स ने अपना वर्क नहीं करा होगा तो वो ऊपर नहीं आ पाई, तो अपन वहीं रहेगा, तो अपनी रैंक अच्छी रहेगी, यही है ना सच्चाई, तो यही है। वरना आप देखिए ना, मुझे देखिए हार जीत से अपने को मतलब नहीं रहता ज़्यादा, कि अपने को पता है इंडियन फुटबॉल डेवलपिंग फुटबॉल है, अपन बड़ी टीम से हारेंगे, मेन क्या आती है सबसे बेसिक चीज़, पास पोजीशन सही ले रहे कि नहीं, पास सही कर रहे कि नहीं, बस इतना सा करके दिखा दो बस, वो भी सही से नहीं हो पा रहा है। तो इंडियन वुमेंस लीग और लीग जो है इसके ऊपर भी बहुत काम करने की ज़रूरत है। अभी देखिए वो टीम पूरी क्या खेल रही थी, एकदम ऐसा खेल रही थी, वो थक भी नहीं रहते वो, है ना, वो पानी तक नहीं पी रहे थे स्वीडन की टीम तो, है ना, होता ना कि कभी कोई किसी को इंजरी हो जाए तो एक घुट पानी पी लो, तो पानी तक नहीं पी रहे थे, उनको थकान भी नहीं लग रही थी, एकदम ईजी चल रहा था उनके लिए।
बस वही है कि उनकी तरफ फिनिशर अच्छा नहीं था तो फिनिश नहीं कर पाया ना, तो दशक गोल मारते थे वो लोग। और हमारे साइड से एक सबसे बेस्ट चांस बना था जो मनीषा कल्याण से घुसी थी और एक शूट लिया था, बस उसके अलावा तो बाकी सब ऐसे ही है ना अंधी वाले। तो चलिए चांसेस क्रिएट हुए वो तो उससे मेरे को मतलब भी नहीं है, मेन मतलब मेरे को यही था मैं मैच इसलिए देख रहा था कि इंडियन वुमेंस टीम स्वीडन जैसी टीम के अगेंस्ट गेम प्ले कैसा करने की कोशिश करती है, क्या करती है, बस ये देखना चाहता था। तो वो कुछ मजा नहीं आया है ना, कुछ भी मजा नहीं आया, एकदम ऐसा क्यों देख लिया वाली फीलिंग आ रही थी सीधी सी बात। तो ये हो गई वुमेंस टीम की बात। और देखिए इसमें वुमेंस टीम को दोष ज़्यादा नहीं दे सकते क्योंकि उनको यहाँ पर चीज़ें ही नहीं मिल रही, तो वो क्या परफॉर्म करेंगे भैया, है ना। तो यहाँ पर IWL उनको बेचारा एक महीने का खिलाते हैं और उसके बाद बोलते जाओ एशिया कप खेलो, जाओ ये खेलो, है ना। तो कहीं ना कहीं उनके साथ भेदभाव तो हो रहा है कि महिलाएं, तो भेदभाव ऐसा करने का क्या भैया, दोनों को बराबरी का मौका दो जरा। अगर ISL को आप 10-10 महीने 9-9 महीने करना चाह रहे हैं, 9 महीने का कैलेंडर बना रहे हैं वो मेंस फुटबॉल का, तो वुमेंस फुटबॉल का भी बनाओ ना। और एक तरफ आप बड़ी बातें करते हो महिला सशक्तिकरण, है ना, और फिर कहाँ गया महिला सशक्तिकरण, उनको 1 महीना और इनको 9 महीना, ये तो गलत बात है ना। क्योंकि आपको पता है कि वो ज़्यादा जल्दी ऊपर जा सकती है, उनकी रैंक भी आसपास ही है और इंडियन वुमेंस टीम जो है वो काफ़ी पोटेंशियल भी रखती है, तो थोड़ा सा करना चाहिए। और वुमेंस में ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है ना वर्ल्ड वाइड, ज़्यादा कंट्रीज की जो बहुत सारी कंट्रीज हैं जिनकी टीम्स अच्छी भी नहीं है, तो हमारी टीम के पास ज़्यादा ऑप्शन है कि हम जल्दी से उसमें वर्ल्ड कप पहुँच सकते भैया, क्योंकि अच्छा चांस है तो मौके का फ़ायदा उठाओ ना। तो ये तो हो गई अपनी सीनियर वुमेंस टीम की बात, अब बात करते हैं हम जूनियर की। तो जूनियर की तो क्या ही बोले भैया, मैं तो बोलता मैं क्या बोलूं जूनियर का। जूनियर का ऐसा है कि भैया अपन U17 वर्ल्ड कप स्क्वाड में बहुत बुरी बेइज्जती होने वाली है अपनी, ये मैं अभी से बता दे रहा हूँ आपको, अगर आपने इटली वाला मैच देखा होगा तो। अब आप बोलेंगे इटली के अगेंस्ट तो भैया हम ऐसे ही खेलेंगे, अरे तो भाई ये वर्ल्ड कप स्क्वाड है और हम वर्ल्ड कप में खेलने वाले हैं और उसमें इटली से भी अच्छी अच्छी टीम्स आने वाली है ना, तो हम जो है पासिंग भी नहीं कर पा रहे सही से, तो आप तो मैच खेलने की बात तो दूर कर दो। अब इसमें भी मैं ज़्यादा दोष महिला मतलब गर्ल्स को नहीं देना चाहूँगा U17 की, ये दोष भी मैं बोलूँगा कि देखो भैया मतलब आप इतने से प्रिपरेशन पे वर्ल्ड कप खिलाना चाहते हैं ना, काम इतना सा और आपको रिजल्ट इतना बड़ा चाहिए, तो फिर वो भी सही नहीं है ना कहीं ना कहीं। तो अभी आप देखिए पिछले बार जो हमारे U17 मेंस वर्ल्ड कप हुआ था उसमें तो कितनी प्रिपरेशन थी, फिर भी टीम को बहुत एक खतरनाक बन नहीं पाई थी। यहाँ तो इतना सा प्रिपरेशन करवाया उनको, कुछ प्रिपरेशन भी नहीं करवाई है ना। अभी वर्ल्ड कप होने वाला है कुछ महीने में और अब जाके एक्सपोजर के लिए लेके जाना चालू किया, तो फिर क्या कुछ मतलब ऐसा है ना, हम वर्ल्ड कप करवा रहे हैं कि हमारा फुटबॉल बढ़े, अरे तो फुटबॉल बढ़े भाई जनता देखने आएगी, जनता पसंद ही नहीं आ पाया क्योंकि टीम प्रिपेयर ही नहीं है वर्ल्ड कप के लिए, अब जनता के क्या पसंद करेगी खुद सोचिए, है ना। अभी देखिए जैसे विदेश में वर्ल्ड कप जहाँ जहाँ भी होते हैं उनकी होम टीम बड़ी अच्छी होती है, तो वहाँ के लोग सपोर्ट करने भी दिल से आते हैं, सपोर्ट भी करते हैं, और अपने आप ऐसा है कि अपने को फुटबॉल बढ़ाना भी है लेकिन प्रिपेयर भी नहीं रहना है, ऐसे ही चले जाना है बस ऐसे ही, है ना, हल्का फुल्का कर लिया ऊपर ऊपर से, जैसे होता है ना कि कुछ लोग एग्जाम में जाते हैं बस ऊपर ऊपर से पढ़ के चले गए बोले पासिंग मार्क्स चाहिए। तो यहाँ पे अपने को क्या इंडियन फुटबॉल फैंस जो उनको आपको ये दिखाना कि हम वर्ल्ड कप में खेल रहे, ये दिखाना बस है, बस दिखाना बस है, तो फिर तो आप मेन जो फीफा वर्ल्ड कप उसकी भी होस्टिंग ले लो, है ना, सिर्फ दिखाना ही है। तो अपने को उसमें कुछ करना भी तो, इन्फ्लुएंस लाना है ना, अपने को फुटबॉल का इन्फ्लुएंस कैसे आएगा जब वहाँ पे प्लेयर्स वैसा दिखेंगे, जब टीम टक्कर देगी हमारी, तो अपनी जो U17 वुमेंस वर्ल्ड कप की टीम है वो तो टक्कर क्या, वो तो बिल्कुल मुंह के खाने जैसी टीम है, भी कुछ भी प्रिपरेशन नहीं है उनकी, तो बहुत मतलब सोचने वाली बात है। तो इसके ऊपर देखिए अभी अब मान के चलिए अभी U17 वर्ल्ड कप स्क्वाड ये जो है ना, अभी इसको अगर प्रिपेयर अच्छा करते रहें कंटिन्यू, तो ये टीम हो सकता है आगे कुछ अच्छा कर पाए। एक तो प्रिपेयर इतना लेट करते हैं, U12 U13 की लड़कियों को प्रिपेयर करना चालू करना था बहुत भयंकर तरीके से, है ना, तो फिर वो बात बनती। मान के चलते हैं कि वो ऐसा प्रिपरेशन पहले से चली आ रही है लेकिन रिजल्ट उसका ग्राउंड लेवल पे अभी तो कुछ दिख नहीं रहा है, कि इतनी प्रिपरेशन भी करी है तो कोई मतलब की नहीं करी, मतलब वेस्ट, टोटल वेस्ट। तो अब यही है सच्चाई, और सच्चाई तो बोलना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि आप हमेशा है ना फेक बोलते गए, फेक वो जो बोलते ना फेक तारीफ करना, झूठी तारीफ करना, हर टाइम आप इंडियन वुमेंस टीम की झूठी तारीफ भी नहीं कर सकते ना, सच्चाई भी बोलना पड़ेगा कि भैया सड़ा गेम खेला तो खेला ऐसा थोड़ी ना कि हाँ नहीं 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 आप तो गर्ल्स है आपको तो थोड़ा सा मिलना चाहिए, है ना, वो क्या बोलते सपोर्ट मिलना चाहिए, आप भले बेकार भी खेलो, बेकार खेला तो खेला है,
और इसमें सीधा मैंने बोला, इसमें डायरेक्टली गर्ल्स को भी दोष नहीं दिया जा सकता, हमारे यहाँ चीज ही वैसी, अब क्या करें। जितना मेंस के लिए काम हो रहा है उसका 40% भी गर्ल्स के लिए काम नहीं हो रहा है, तो गर्ल्स टीम कहाँ से आगे बढ़ेगी भैया? वो तो वहीं की वहीं रह जाएगी, जहाँ है वहीं है पिछले कई सालों से, आगे न बढ़ रही न पीछे बढ़ रही, वहीं पे बस अटक गई है, इंजन जाम हो गया जैसे, और इधर बस उसी का वो उसी के लिए खुश होते रहते लोग, अरे हमारी रैंक तो 55 है, हमारे अगर घंटा रैंक से फर्क अगर पड़ता ना तो दुनिया कहाँ की कहाँ चली जाती है ना, रैंक से कोई फर्क नहीं पड़ता। अपन 200 रैंक की टीम के साथ ड्रॉ खेलते ना श्रीलंका के साथ, तो रैंक का कोई फर्क है? तो रैंक से कोई फर्क नहीं पड़ता है, खेल के दिखाना पड़ता है, और खेलने में अपन अभी भी वही की वही है। वो मेंस टीम की बात करो चाहे वुमेंस टीम की बात करो, मेंस टीम में भी थोड़ा बहुत सुधार देखने को मिल रहा है तो ठीक है, और वुमेंस टीम तो पहले भी ऐसी खेलती थी है ना, पहले भी ऐसी खेलती थी, अभी भी वैसी खेलती है, और थोड़ा सा अपने आप वो उनको गेम टाइम ज़्यादा देंगे तब वो इम्प्रूव करना चालू करेगी है ना, क्योंकि अभी आप अच्छी टीम्स के अगेंस्ट वुमेंस टीम का मैच करो तो आपको पता चलेगा कि अपनी वुमेंस टीम भी कोई बहुत बड़ी तुर्रमखान नहीं है, वो तो अपन ऐसी टीम्स के अगेंस्ट खेलते रहे जो अपने से बेकार है या अपने लेवल की, इसलिए बाकी कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, बस यही सच्चाई है। तो अभी तो और मैचेस अपने को देखना है, इंडियन सीनियर वुमेंस टीम के भी अभी यूएसए से हैं, अंडर 23 से, और जो अपनी अंडर 17 वर्ल्ड कप स्क्वाड वाली टीम, इसके भी काफ़ी मैचेस हैं, तो आपको टाइम मिलेगा तो देखिएगा, और नहीं मिलेगा तो कोई बात नहीं, मैं तो आपको बता ही दूंगा दिक्कत क्या है, ठीक है। तो देखिए यही कुछ सच बातें हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाहता था, और आई होप कि देखिए ये ऐसे टूर्नामेंट खेलने से कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ IWL का क्या वो कुछ करते हैं है ना, वुमेंस डेवलपमेंट के लिए क्या प्रोग्रेसिव कुछ सोचते हैं, उस पर ही डिपेंड करता है कि वुमेंस फुटबॉल कितना आगे जाएगा, वरना तो जहाँ है वहीं रहेगा 50 साल बाद भी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे वहाँ यहाँ पे वुमेंस वर्ल्ड कप कराओ, यहाँ पे वुमेंस का एशिया कप कराओ, सब वैसे कि वैसे ही रहेगा, है कि नहीं? सच बात है, आप भी हो सकता है इसे सहमत होंगे, नहीं सहमत होंगे तो भैया आप जाइए मैच वगैरह देखिए, तो आपको भी शायद ऐसा लगे, या ना लगे तो आप क्रिटिसाइज करने के लिए आप बिल्कुल खुले हैं, आज़ादी आपको, ठीक है। तो इसी के साथ लेकिन आप भारतीय फुटबॉल का सपोर्ट करते रहिए, क्योंकि उम्मीद पे दुनिया कायम है, और उम्मीद रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो पॉजिटिव रहें, भारतीय फुटबॉल को सपोर्ट करते रहें, बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए, जय हिंद जय भारत।